हर्षद। हर्षद ये देखे प्रवीणा भाभी, मेरे नए नर्सिंग होम के प्लान की ब्लूप्रिंट्स। अरे वाह, मोटा भाई कहाँ है? मोटा भाई के रूम में जाइए, उनकी 2007 की डायरी झिंझोड़िए, उसमें से निकलेंगे मोटा भाई। अब मार्च का महीना, ऐसे ऐसे करना। क्या प्रवीणा भाभी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मोटा भाई। मोटा भाई, मोटा भाई, मैं यहाँ हूँ हर्षद। ओह नो। बोल चैताली बेटा, अब कहाँ की सैर करें? सेंटोस आइलैंड चलें? हाँ, सेंटोस आइलैंड। ठीक है बेटा, तू कहे वहाँ चलेंगे। हम वहाँ सिंगापुर में भी इसी तरह घूमेंगे फिरेंगे और मजे करेंगे, समझी तू? क्या मोटा भाई, आप भी? ये सिंगापुर का नशा है काका, इससे कोई नहीं बच सकता। पहले तू कॉन्टेस्ट जीत तो सही। अरे 100% जीतेगी मेरी चैताली बेटी, है ना? कॉन्टेस्ट कल है ना बेटा? हाँ। तो जरूर जीत के आना, आफ्टर ऑल हमारे सिंगापुर के टूर का सवाल है। अरे कल हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी और सिंगापुर का सिंगापुर, है ना बेटा? यस। श्री रामचंद्र कृपा। क्या कर रहे हैं आप? चलो चलो, फास्ट फास्ट BREAKFASTV ब्रेकफास्ट बनाओ। आज NOBREAKFASTV नो ब्रेकफास्ट। अरे वाह, तुम भी अच्छा है, लेकिन नाश्ता क्यों नहीं? क्योंकि आज बनाया ही नहीं मानव के पापा, क्योंकि आज बड़े और बच्चे सबका उपवास है। उपवास? आज तो एकादशी भी नहीं है, फिर उपवास किस लिए? क्योंकि मैंने सबसे कहा कि अगर चैताली जीत गई तो सबको उसके साथ भार्गव जाने की इच्छा है ना, तो जहाँ जाने की इच्छा है उस धाम की देवी का व्रत करो। कौन सी माता? श्रीरंगपुर देवी। श्रीरंगपुर देवी, अच्छा। एक मिनट। हाँ, चैताली को श्रीरंगपुर धाम की यात्रा की टिकट मिलने वाली है ना, तो मैंने भी उपवास रखा है कि हे भगवान, मेरा श्रीरंगपुर जाना तय करवा दो। वहाँ श्रीरंगपुर माता का बहुत बड़ा मंदिर है। मीनाक्षी, वो श्रीरंगपुर नहीं है, वो सिंगापुर है। सिंगापुर जाने की टिकट, विदेश जाने की टिकट। विदेश? हे भगवान क्षमा करना, विदेश जाने की टिकट? तो मुझे नहीं जाना, मैंने तो सोचा था कि श्रीरंगपुर माता का बहुत बड़ा मंदिर होगा। हे भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार मत करना, मेरा उपवास न जाने के लिए समझ लेना। कमाल हो तुम मीनाक्षी, घर के बाकी लोग जाने के लिए तरस रहे हैं और तुम खुद न जाने के लिए प्रार्थना कर रही हो। हो गया, इधर घूमो। वैसे तुम्हारी पहली वाली प्रार्थना भी पहुंच गई होगी। क्या? और हो सकता है भगवान ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का फैसला भी सुना दिया हो। तुम्हारी तो सभी भगवान से इतनी अच्छी बनती है, हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली हो और तुम सिंगापुर जाओ। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस जिसकी जाने की इच्छा हो वो सब जा सके चैताली के साथ। मैं प्रार्थना करती हूँ। भाभी, अचार बाहर टेबल पर ही पड़ा है। बेबी बेन बहुत दूर है, आके दीजिए ना प्लीज। बेबी बेन, आप भी ना, मेरे को नींबू का टुकड़ा देना। लीजिए। प्रवीण, बेबी शिल्पा, वो लवाड़ प्रवीण को बुलाओ। हमेशा हमेशा मुझे बोलता रहता है कि बा हर महीने हर भाई के पास से 10,000 रुपए लेती है, पर घर खर्च के अलावा बाकी पैसों का क्या करती है उसका हिसाब आज तक कभी नहीं दिया। हाँ, तो अब हिसाब नहीं देती तो वो बोलेंगे ही ना। चलो तो आज उसकी इच्छा पूरी कर देती हूँ, थोड़ा हिसाब दे ही देती हूँ उसे और बाकी सबको भी। नहीं नहीं बा, आप हमें हिसाब क्यों दे रही है? अरे दे रही तो देने दीजिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे बा, ये किस चीज का हिसाब है? बाकी के पैसे कहाँ खर्च किए उस बात का? नहीं, बाकी के पैसे कहाँ खर्च करूंगी उस बात का। देख, चैताली अगर स्पेलिंग कॉन्टेस्ट में जीत गई तो उसके साथ सिंगापुर घर का एक बड़ा मेंबर जाएगा, ये तो तय है। उन दोनों के अलावा घर के और 7 मेंबर भी सिंगापुर जाएंगे और उन सारे लोगों का खर्च तुम्हारी इस बा की तरफ से। धीरे धीरे बेबी बेन, सिंगापुर। चिल्लाने दो चिल्लाने दो,
घर के बाकी सब मेंबर्स भी चिल्लाएंगे जब उन्हें पता चलेगा, और प्रवीण वो तो ऊपर से जंप मारेगा, कुएं में कूद पड़ेगा, पागल हो जाएगा। बा, आप महान है, आप जैसी बाई दुनिया में हो ही नहीं सकती। प्रवीण भाई को तो आपकी कदर भी नहीं है, पता है? अरे वाह, अभी अभी प्रवीण भाई की तरफदारी कर रही थी, इंस्टेंटली पार्टी चेंज। अरे सिंगापुर जाने मिलता है ना तो प्रवीण भाई खुद अपनी पार्टी बदल के बाकी पार्टी में आ जाएंगे। वैसे बा, चैताली और मेरे अलावा और कौन कौन जा रहा है? अच्छा, मौका देखते ही घुस गई, अपना फिक्स कर लिया। अरे इतना तो चलता है, बताइए ना और कौन कौन जा रहा है? अभी सवाल का जवाब देना तो सबसे मुश्किल है, इतने सारे लोगों में से कौन जाएगा, कैसे तय करेंगी? वाह, उसका हल भी मैंने ढूंढ लिया है। क्या?